शुल्क की, वो सुविधा शुल्क जो भ्रष्ट अफसर वसूलते हैं। फास्ट इंडिया के कैमरे में एक ऐसा ही भ्रष्ट अफसर कैद हुआ जो स्कूल ऑडिट के नाम पर अवैध वसूली करता है। फास्ट इंडिया ने अवैध वसूली के खेल का भंडाफोड़ किया है। फर्स्ट इंडिया ने एक बार फिर से अजमेर के बिनाय ब्लॉक में स्कूल ऑडिट के नाम पर अवैध वसूली के खेल का भंडाफोड़ किया। रिपोर्टर ने स्कूलों से वसूली कर रहे एक ऑडिटर को रंगे हाथों पकड़ा तो पहले से साहब धमकाने लगे, जब बात नहीं बनी तो गिड़गिड़ाने लगे। ये रिपोर्ट देखिए। फर्स्ट इंडिया न्यूज पर लोग यूं ही भरोसा नहीं करते। चैनल न सिर्फ आपको खबरों की सच्चाई से रूबरू कराता है बल्कि वक्त वक्त पर भ्रष्टाचार करने वालों का भी भंडाफोड़ करता है ताकि रिश्वत से कमाने वाले दलालों में डर पैदा हो। क्या बना रहा है? क्या बना रहा है मेरी? अरे इधर बैठ तो सही, क्या ही बना रहा है? इधर बैठ तो सही, तू नाटक कर रहा है, मैं अंदर जा रहा हूं। ऐसा ही खुलासा किया है फर्स्ट इंडिया ने अजमेर के भिनाय के ब्लॉक में, जहाँ समग्र शिक्षा भवन में जारी स्कूलों के ऑडिट के नाम पर रुपए लूटे जा रहे हैं। दो तीन हजार में आपने तो 56,000 रुपए लिया ना। ना ना ना, 30-30 ही 25 ही नहीं आए, कोई पैसे नहीं आए हमारे पास। 56 की लिस्ट है, उसमें लिस्ट ऑडिट की है, सब देते थोड़ी है, सबके थोड़ी देते हैं। दरअसल यहाँ जयपुर से आया एक ऑडिटर स्कूलों के ऑडिट में कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं करने के अवज में अवैध वसूली कर रहा था। फर्स्ट इंडिया टीम ने स्टिंगर स्कूल से 1,000 रुपए वसूलने की इस करतूत को कैमरे में कैद कर दिया। शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने जब लेखा अधिकारी राजेंद्र सेठिया से पूछा कि 1,000 रुपए किस बात के ले रहे हो, तो सेठिया ने जवाब दिया कि ये रकम तो ऑडिट खर्चे के लिए है। राजेंद्र सेठ मौके पर मौजूद फर्स्ट इंडिया संवाददाता ने जब ऑडिट टीम से इस संबंध में सवाल किया तो सेठिया और उनके साथियों ने संवाददाता को धमकाने की कोशिश की। संवाददाता ने जब फिर से अपना सवाल दोहराया तो सेठिया ने एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता का नाम लेते हुए धमकाने की कोशिश की। फिर जब फर्स्ट इंडिया संवाददाता प्रभाव में नहीं आया तो उनसे रिश्वत की भी पेशकश कर डाली। हालांकि इसके तुरंत बाद वो गिड़गिड़ाकर माफी भी मांगने लगा। अंदर अभी कैमरे में आप आए हो, आप देख के अंदर गाड़ी में आके छुप गए हो, आपको पता है? कुछ नहीं है, तो आप फर्स्ट इंडिया को खरीदना चाह रहे हो? नहीं, नहीं, मालिक तेरे को काय को खरीदना चाह रहे हैं? तो क्यों ऐसे कर रहा है? तो मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ। आप कौन से विभाग से हो, रियल बता दो मुझे। शिक्षा विभाग से। शिक्षा विभाग में किस पद पे हो? कौन से आप? AO कहाँ पे? जयपुर। अब तू क्या चाह रहा है बता दे हमारे। मैं कुछ नहीं चाह रहा हूँ। आपने 56 लोगों से पैसा लिया, उनको वापस दो। और ये जो आपने पैसा लिया ये गलत है, शिक्षा विभाग के नाम पे आप वसूली कर रहे हो। अब क्या करना है तू बता दे, खत्म बात। करना क्या, हमें मतलब आप खरीदोगे क्या? नहीं खरीदेंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। तो आप करना, आपका करने का मतलब मैं इसको मामले को दबा दूं? नहीं दबा नहीं, निकाल दे। आप कह रहे हो ना कितना पैसा लोगे? फर्स्ट इंडिया को पैसा दे रहे हो आप? फर्स्ट इंडिया के पत्रकार को पैसा दे रहे हो? नहीं भाई, तेरा हाथ जोड़े हैं, जोड़े तेरे हाथ।
इसके बाद हमने जब सेठिया से फोन कर उसका पक्ष जानने के लिए फिर से संपर्क किया तो उसने अपना नाम शैतान सिंह बताते हुए आरोपों से इनकार कर दिया। इसके तुरंत बाद ही सेठिया के पक्ष में एक युवक ने फर्स्ट इंडिया सहयोगी को एडिशनल SP बनकर धमकाने का प्रयास किया। हेलो, मैं जयपुर सेक्टर विभाग से बोल रहा हूँ, SK माथुर। हाँ सर बताएं। तो वो क्या मैटर हो गया, ऑडिट पे क्यों फोन? कौन सा मैटर सर? उनको क्यों फोन, क्यों परेशान कर रहे हो ऑडिट वाले को? किसने परेशान किया? कॉल किया था ना आपने अभी उनको, कॉल आया किया कुछ जानना। आप कौन बोल रहे हैं? मैं SK माथुर बोल रहा हूँ जयपुर शिक्षा विभाग से। अच्छा, जयपुर शिक्षा विभाग। आप हो कहाँ पर अभी, क्या करते हो आप काम? नहीं नहीं, आपका नाम बता दें। SK माथुर, शिक्षा विभाग जयपुर। ठीक सर, हाँ बताओ। पेट्रोल कॉलर पर तो पीयूष लिखा हुआ रहा, कोई नंबर तो कोई पीयूष का है? ये पीयूष का है, आप बताओ तो सही है, आप क्यों परेशान कर रहे हो उन्हें? बॉस, मैंने किसी को परेशान ही नहीं किया। फिर तो मेरा CEO है। कौन सी पोस्ट पे हो पहले तो बताओ आप? आप कौन सी पोस्ट पे बात कर रहे हो, कौन सी पोस्ट पे है, डेजिग्नेशन क्या आपकी? हेलो, एडिशनल एसपी। कहाँ से एडिशनल SP कहाँ के सर? और अभी तो शिक्षा विभाग में थे आप? फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल से। हाँ सर बोलो सर। सर आज आप ऑडिट करने आए थे सर, विनाय ब्लॉक। हाँ हाँ, तो सर क्या था, क्या है मैटर पूरा? बोले मेरे पहले क्यों बना रहे हो, ऑब्जेक्शन क्यों डाल रहे हो, ये क्यों डाल रहे हो? तो मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, ये ऑडिट कौन सी ऑडिट थी सर? ये सर ये शिक्षा विभाग की है सर। तो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बाद में बात करूँ आपसे। दो मिनट मेरे को बता दीजिए ना सर, आपने पैसे किस बात के लिए थे सर? पैसे हमने कोई पैसे नहीं लिए सर किसी। फिर आपने कोई रिपोर्टर आया वहाँ पे, उसको भी आपने बताया कि? ना ना, हमने कोई नहीं रिपोर्टर ऐसे कर। आपने पेशकश करी पैसों की उसको, दूसरे वाले रिपोर्टर? नहीं नहीं, कुछ नहीं नहीं, हमने पैसे लिए नहीं हमने। आपका शुभ नाम बता दें फिर एक बार। शैतान सिंह। शैतान सिंह गुजर राजेंद्र। शैतान सिंह राजेंद्र। राजेंद्र आगे क्या करना है सर, बोलिए ना आप क्यों? नाम पूछा सर मैं तो, नाम बता दीजिए। नहीं किस लिए, क्या क्यों, क्या क्या काम है आपको? नाम तो पूछूंगा ना सर, नाम तो बताएंगे। राजेंद्र फेटिया? ना ना सर बोलो। नाम क्या है फिर, नाम तो बता दीजिए। तो क्या काम है आपको, क्यों बताओ, क्यों बताओ, आप क्यों बात का बतकर बना रहे हो? नहीं मैं खबर चलानी थी तो नाम तो पूछूंगा ना सर। क्यों, क्या क्या है तो सर? नहीं खबर जो लिखी है, जो नाम तो की खबर लिखी है सर, काय की लिख रहे हो आप जबरदस्त? आप बता रहे थे कि ऑडिट में कमी थी, तो उनकी दिक्कत आई होगी ना ऑडिट की? तो दिक्कत आई है जो कर दी सर। अजमेर जिले की पूरी की करी फिर आपने? नहीं नहीं, मैंने तो यहाँ की खाली। विनाय? विनाय के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी PN मिश्रा ने कहा कि मैं तो फील्ड में था, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने और ये टीम के आने के बाद स्वीकारी। सर आज ये मैटर आपको मालूम पड़ा होगा, कोई ऑडिटर जो थे आपके स्कूलों के। जी सर, ऑडिट करने के लिए आते सर, क्या है पूरा मैटर कुछ बताएंगे सर? मैं तो आज आउट ऑफ स्टेशन जी, और मतलब यानी फील्ड में वर्क में था सर। नहीं ऑडिटर के लिए टीम आई है कि कोई बाहर से? नहीं, वो वन डे के एक प्रोग्राम था जी, आज का ही एक दिन का ही कार्यक्रम था सर। तो ये फाटो स्कूलों के लिए ऑडिट करनी थी क्या सर? है सर, हाँ हाँ। नाम क्या है इनका सर, नाम क्या है? राजेंद्र सेठिया। राजेंद्र सेठिया जयपुर से नहीं है तू? हाँ जयपुर से ही है सर। तो मतलब इन्हें 3 से 4 लोगों में और करी है, मतलब बिना के अलावा? हाँ नहीं, फिर पूरे पूरे जिले की है इन्होंने एक तरह से। वैसे ये ले नहीं सकते ना सर पैसे ऐसे? नहीं नहीं। वहीं संभागीय अधिकारी अजय गुप्ता ने लगातार फोन करने के बाद भी जवाब नहीं दिया। बहरहाल अब इन सब लोगों की काली करतूत तो सामने है, देखना होगा कि अब इस पर क्या कार्रवाई होती है। शुभम जैन और अनिल साहू, फर्स्ट इंडिया न्यूज, अजमेर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं।